तो अचानक आपका शरीर प्रकाश से भर जाएगा। ये काम करता है, ये एक चीज, बस ये एक चीज। यही इस दुनिया की खूबसूरती है। अगर आप सही चीजें करते हैं, चाहे जैसे भी करें, वो काम करती हैं। आप इसे रोते हुए करें, या प्यार से करें, या खुशी से करें, या नफरत से करें, या गुस्से से करें, अगर आप सही चीज करते हैं तो वो काम करेगी। यही दुनिया का तरीका है। जब तक आप सही चीजें कर रहे हैं, चाहे जैसे भी कर रहे हो, ये काम करेंगी। ऐसा नहीं है कि केवल प्रेम से करने पर ही ये काम करेंगी। नहीं, प्रेम से करने पर यह आपके लिए सुंदर होगा, बस इतना ही। वो प्रक्रिया आपके लिए अद्भुत होगी, वरना यह तकलीफ देगी, लेकिन यह फिर भी काम करेगी। अगर आप इन आम के पेड़ों को पानी दें, बहुत दुखी होकर, तब भी यह काम करेगा। आम आएंगे, बस आप इसका आनंद नहीं ले पाएंगे, कोई और इसे खाएगा। अगर आप इसे बहुत खुशी और प्यार से करते हैं, तो पहले फूल पर भी आपकी नजर जाएगी और शायद आप इसे खा भी सकें, वरना शायद आप ना खा पाएं, लेकिन ये फिर भी काम करेगा। तो ये इस अस्तित्व की खूबसूरती है। जब तक आप सही चीजें कर रहे हैं, ये काम करती है। आप इसे कैसे करते हैं, यह आपके जीवन की गुणवत्ता तय करेगा। वो होगा या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे भी होगा। एक बार एक मुर्गी पालक किसान था, पता है, मुर्गी पालक, पोल्ट्री फार्मर। तो अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए वो हमेशा रिसर्च करता था, और एक दिन उसने अखबार में एक लेख पढ़ा कि कैसे एक आदमी ने एक दिन में 24,000 ईंटें बनाने का रिकॉर्ड बनाया, ईंटें बनाकर। तो वो बहुत प्रेरित हुआ, उसने इस लेख को अखबार से काटा और पोल्ट्री ले जाने लगा। लोगों ने पूछा, तुम क्या करने जा रहे हो, कहां जा रहे हो? उसने कहा, मैं अपनी मुर्गियों को बताने जा रहा हूं कि कैसे इस आदमी ने एक दिन में 24,000 ईंटें बनाई। You're hoping. ये इस तरह से काम नहीं करता, इस तरह ये काम नहीं करता। एक आदमी ने 24,000 ईंटें बनाई, आप अपनी मुर्गियों को बताएं, वो आपके लिए 24,000 अंडे नहीं देंगी। ये इस तरह से काम नहीं करता। बस ये जानने के लिए कि ये कैसे काम करता है, दुर्भाग्य से लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं और फिर भी नहीं जान पाते कि ये कैसे काम करता है। अगर आप ये समझ लें, सिर्फ इतना, कि अगर आप अपने भेदभाव से ऊपर उठ जाएं और हर चीज को एक समान नजर से देख सकें, अगर आपकी नजर समान है हर चीज के लिए, इसके लिए एक तरह की नजर, इसके लिए दूसरी तरह की नजर, नहीं ऐसे नहीं, आपकी नजर हर चीज के प्रति समान हो, अगर आप ऐसे हैं, तो अचानक आपका शरीर प्रकाश से भर जाएगा। ये काम करता है, ये एक चीज, बस ये एक चीज। अगर आप यहां होने की बजाय अपनी आध्यात्मिकता को अगर यहां तक जाने दें, अगर ये दो आंखें डूब जाएं और आप हर चीज को एक आंख से देख सकें, दो से नहीं, आप इस व्यक्ति को पसंद करते हैं, इसको पसंद नहीं करते, इस व्यक्ति से प्यार करते हैं, इससे नफरत करते हैं, आप इसके साथ ठीक हैं, उसके साथ नहीं हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, अगर आप इन सब से ऊपर उठ सकें, अगर आप हर चीज को एक नजर से देख सकें, तो साधना एक अलग ही आयाम पर चली जाएगी। ये एक चीज आपको करनी ही चाहिए, वरना प्रकाशवान होने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप इसके बिना प्रकाश चाहते हैं, तो इसमें असाधारण मेहनत लगेगी और यह जल्दी खत्म भी हो जाएगा।